नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश बड़के, पेडियाट्रिक कंसल्टेंट, मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी पुणे। आज हम केयर ऑफ न्यूबॉर्न इस सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। बिफोर डिस्कसिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न, नॉर्मल न्यूबॉर्न क्या होता है ये थोड़ा डिस्कस करेंगे। नॉर्मल न्यूबॉर्न मतलब जिनका 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट होता है, प्लस कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी नहीं रहती है, जिनका वजन 2 किलो 800 ग्राम से ज़्यादा रहता है, इनको हम केयर नॉर्मल न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर। इसमें हम प्रीटर्म बेबीज, लो बर्थ वेटी बेबीज का केयर डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी डिलीवरी होता है हम बेबी रिसीव करते हैं तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, बेबी को ड्राई करते हैं और वार्म रखते हैं। इसमें हम बेबी को मदर के पास देते हैं, उसको हम कहते हैं कि स्किन टू स्किन केयर। इसका बेनिफिट ये रहता है कि जैसे बेबी एंड मदर स्किन टू स्किन टच कॉन्टैक्ट में आते हैं, बेबी का टेम्परेचर अच्छा रहता है, प्लस मदर बेबी बॉन्डिंग अच्छा होता है, न्यूरो डेवलपमेंट के लिए हेल्प होते हैं। इवन प्रीटर्म बेबीज में कांगारू मदर केयर होते हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ केयर ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न इज टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, मतलब उनको ठंडा नहीं होने देना है, उनका टेम्परेचर अच्छा रखना है। नॉर्मली हम इसको कैसे कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, रूम एयर टेम्परेचर 25 to 28 रहना चाहिए, बेबी के पाम्स एंड सोल्स पिंक रहने चाहिए, तो बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, हाइपोथर्मिया मतलब बेबी ठंडा नहीं होने होगा। बेबी ठंडा होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ब्लड ग्लूकोज कम होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। उनके कैलोरीज खुद को गर्म रखने के लिए जो लगते हैं वो वेस्ट नहीं हो सकते, वेट लॉस नहीं होगा। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज बेबी का टेम्परेचर अच्छा रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मदर फीडिंग, आइदर वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजरियन सेक्शन हो, हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन एज अर्ली एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो उतने, विदिन 30 मिनट्स हम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए देते हैं, मदर फीडिंग के लिए देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मदर फीडिंग में जो कंटेंट रहते हैं वो एंटीबॉडीज रहते हैं, बेबी की इम्यूनिटी के लिए रहते हैं, जिससे बेबी की डायरिया, निमोनिया, इन्फेक्शन इससे बचा होता है। एज वेल एज ये सबसे सिंपल रहता है डाइजेशन के लिए, ब्रेन ग्रोथ एंड बॉडी ग्रोथ के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वीक में हम क्या बोलते हैं कि मदर फीडिंग एवरी 2 to 3 hourly देना चाहिए। क्या होता है कि फर्स्ट वीक में बेबी का वेट लॉस होता है, दैट इज 10% वेट लॉस इज एक्सेप्टेबल। अगर 3 kg बेबी है तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक 2 kg 7 se तक वेट लॉस हो सकता है, इसीलिए फर्स्ट वीक में हम 2 to 3 hourly बोलते हैं। बाद में इट शुड बी गिवन एज ऑन डिमांड मदर फीडिंग। और ये फीडिंग कब तक करते हैं हम, अप टू 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब क्या रहता है कि मदर फीडिंग के सिवाय कुछ नहीं देना है, मद वाटर गुट्टी ये कुछ नहीं देना है। बेबी के ग्रोथ के लिए जो भी कंटेंट चाहिए, ब्रेन ग्रोथ बॉडी ग्रोथ के लिए, वो सब मदर के मिल्क में रहता है, सब एंटीबॉडीज इम्यूनिटी के लिए जो कंटेंट चाहिए वो सब रहता है। सो मदर फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फॉर द बेबी। जो भी मदर बेबीज के लिए गिफ्ट देना चाहती है, सबसे बड़ा गिफ्ट है कि ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द बेबी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, राइट। सो थर्ड केयर में हम क्या बोलते हैं कि स्किन केयर ऑफ द बेबी। स्किन केयर में हम बोलते हैं कि तुरंत बेबी को नहलाना नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ठंडा नहीं होना चाहिए बेबी। तो हम क्या बोलते हैं कि कॉर्ड जो रहता है वो कॉर्ड नॉर्मली 7 to 10 days तक ड्राई होके फॉल होता है, उसके बाद हम डीप बाथिंग स्टार्ट करते हैं। तब तक हम स्किन केयर में मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, ऑयल मसाज कर सकते हैं, स्पॉन्जिंग बाथ दे सकते हैं, लेकिन डीप बाथिंग शुड बी गिवन आफ्टर कॉर्ड फॉल 7 to 10 days। एंड कॉर्ड केयर में क्या आता है कि कॉर्ड शुड बी ड्राई एंड क्लीन, उसके ऊपर कुछ नहीं लगाना है, अपने आप वो फॉल हो जाता है, तो वहाँ से इन्फेक्शन नहीं होगा। कॉर्ड ऑब्जर्व करना है, रेडनेस है, सूजन है, पस है, डिस्चार्ज है, इसके लिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्या है स्किन केयर में, आईज क्लीन कर सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ, कॉटन गर्म पानी में डुबा के क्लीन करना है, आईज में काजल नहीं लगाना है, ईयर में कुछ ड्रॉप्स वगैरह नहीं देना है। तो दिस इज अबाउट द स्किन केयर। बेबीज
बहुत बार हमें पूछते हैं कि बेबी को स्नीजिंग हो रहा है, हिकअप्स आ रहे हैं, तो स्नीजिंग एंड हिकअप्स आर नॉर्मल इन न्यूबॉर्न बेबीज। बहुत बार मिल्क पार्टिकल थ्रोट में या नोज में जाते तो स्नीजिंग होता है, हिकअप्स आते, तो हर फीडिंग के बाद बर्पिंग करना है, बेबी को खड़ा पकड़ना है, घूमना है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट और हिकअप्स कम हो जाते हैं। नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबीज क्राई करते हैं, लेकिन फर्स्ट रीजन टू क्राई इज हंगर क्राई। तो बेबी जब भी रोते हैं तो फर्स्ट चीज़ एक ही करना है कि मदर फीडिंग देना है और बर्पिंग करना है और टेम्परेचर देखना है, बहुत हॉट है बहुत कोल्ड है तो नहीं चलेगा, टेम्परेचर शुड बी नॉर्मल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है। और एक चीज़ रहता है कि सब मदर फादर वरीड रहते कि बेबी को जॉन्डिस तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है। जॉन्डिस हम कैसे करते हैं, हर हम इसको बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मतलब क्या रहता है, हर बेबीज को कुछ वैल्यू तक जॉन्डिस रहता है, मतलब उनके आंखें येलो रह सकती है, फेस थोड़ा बहुत येलो दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। गट एंड लीवर इमेच्योर होने की वजह से फर्स्ट फ्यू डेज में जॉन्डिस रहता है। वो हम कैसे मॉनिटर करते हैं, यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए हम बेबी का बर्थ वेट और उनका डे ऑफ आवर्स एज कितना है उसके अनुसार एक ग्राफ रहता है बिलरुबिन का, उसके अनुसार हम मॉनिटर करते हैं। सो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो जॉन्डिस फर्स्ट 24 आवर्स में आता है ड्यू टू द डिफरेंट ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड बेबी, मतलब मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, आर एच निगेटिव जिसको बोलते हैं, बेबी का पॉजिटिव है, मदर का ओ पॉजिटिव है, बेबी का अलग है ए बी ओ, इनको हम ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी, आर एच निगेटिव मदर, इसमें जॉन्डिस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, थोड़ा सा सीरियस जॉन्डिस रहता है, लेकिन इसका भी चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको ट्रीटमेंट अवेलेबल है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है, राइट। सो डोंट वरी अबाउट द जॉन्डिस। ये फीडिंग अच्छा हो गया तो जॉन्डिस कम होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गुड फीडिंग, उसके कारण स्टूल यूरिन से भी जॉन्डिस कम होता है। ओके, सो फर्स्ट 24 आवर्स में हम यहाँ हॉस्पिटल में आपके लिए बहुत सारा हेल्प मिलता है, फीडिंग के लिए लैक्टेशन कंसल्टेंट रहते हैं, नर्सिंग, सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम आपको प्रमोट करेंगे, एज वेल एज फर्स्ट 24 आवर्स में हम यहाँ पे विटामिन के इंजेक्शन और पोस्ट वैक्सीनेशन करते हैं, BCG, हेपेटाइटिस बी एंड OPV। वंस फैमिली कंफर्टेबल होता है कि हम बेबी केयर कर सकते हैं और बेबी हैंडलिंग में कॉन्फिडेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, तो हम डिस्चार्ज करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज 48 to 72 आवर्स हम इनका न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड ईयर स्क्रीनिंग ये दो टेस्ट करते हैं, विच इज वर्ल्ड वाइड एडवाइस। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स का स्क्रीनिंग रहते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म विच इज मोस्ट कॉमन, एज वेल एज एड्रेनल हार्मोन्स, इसका हम स्क्रीनिंग करते हैं। और अभी ईयर स्क्रीनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन टेस्ट विच इज एडवाइस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, उसके काफी बेनिफिट है इन फ्यूचर के लिए। हम एक बार डिस्चार्ज करते हैं और बेबी वापस कब बुलाना है, हम 48 आवर्स के बाद बेबी को फिर से वापस री एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन बेबीज अर्ली वापस कब आ सकते हैं, बेबी के लिए न्यूबॉर्न के लिए डेंजर साइंस क्या है, वार्निंग साइंस क्या है, जब आपको डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए। एक तो फीवर, न्यूबॉर्न बेबीज में फीवर आना, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, डेंजर साइंस इन न्यूबॉर्न, हमने डिस्चार्ज किया है बेबी को तो कब दिखाना चाहिए एमरजेंसी में। एक तो फीवर आना, फीवर इज अ साइन ऑफ सेप्सिस इन द न्यूबॉर्न, उसके बाद रहता है बेबी सुस्त है, फीडिंग कम ले रहा है, यूरिन कम पास कर रहा है, या वोमिटिंग में ब्लड या स्टूल में ब्लड आ रहा है, या फिर जैसे हमने डिस्कस किया है कि जॉन्डिस पाम एंड सोल तक जा रहा है, ये सब साइंस है, डेंजर साइंस, इसमें आपको जल्दी से जल्दी बेबी को हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, अर्ली कंसल्टेशन देना चाहिए। थैंक यू।